हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फटाफट मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। 1 वीक का जो यूएसडी जेपीआई का चार्ट है, तो पहले चलते हैं 1 मंथ, क्योंकि मंथ के अलावा आप लोग लेवल भी नहीं निकाल पा रहे। इतना ज़्यादा मार्केट का यूएसडी जेपीआई अप गया है, और जो भी पेयर है सब डाउन जा रहा है। तो यही लेवल आ रहा है, तो यही लेवल पे चलते हैं 1 वीक पे। 1 वीक पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे मार्केट का जो अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश का ही है, बट एज ए लेवल जो कैंडल हो रहा है ये ऊपर जाते जाते और भी नीचे छोटा हो रहा है। तो लास्ट जो वीक का जो कैंडल है वो और भी छोटा हुआ है। तो आई थिंक मार्केट का तो 1 डे पे चलते हैं। 1 डे पे जाने के बाद आप लोग एक चीज़ याद रखना, मार्केट का जो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है, बट वो अभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ब्रेक करके सस्टेन कर चुका है। तो मतलब वही व्यू है, मैंने पहले से फिबोना के रिट्रेसमेंट लगा चुका था, और ये भी एक व्यू है। इधर से ब्रेकआउट करके 1429.69 से ब्रेक कर ले तो फर्स्ट टारगेट रहता है 138.639, एंड सेकेंड टारगेट वही रहेगा कि 137.045। तो आई थिंक वही है 60 पॉइंट। इधर से भी नीचे आ सकता है इधर तक, बट अभी अभी बुलिश का सेंटीमेंट और ट्रेंड भी बुलिश है। तो आई थिंक आप लोग ये होने के बाद ही करना, अच्छे से कंफर्मेशन लेने के बाद करना। तो पाउंड देखना, पाउंड का भी कुछ भी नहीं है अभी। पाउंड में अभी पूरा सेलिंग है। तो 1 मंथ का वही लेवल निकल रहा है, 1984 का लेवल निकलता है। तो आई थिंक आप लोगों का अभी कुछ नहीं करना, ये जो लेवल है इधर से एक अच्छा सपोर्ट ले सकते हैं मार्केट। तो इधर से सपोर्ट लेने के बाद 1.04 1.05633 से इधर से एक सपोर्ट लेके मार्केट आराम से बुलिश हो सकता है इधर से। वो ये यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूएसडी पे जाने के बाद आप लोग देखे मार्केट ने, वही है मंथ का है। मंथ का जाने के बाद आप लोग देख पाओगे मंथ का वही है लास्ट सपोर्ट है, एंड पीछे से एक रिट्रेसमेंट रह चुका था। इधर देख सकते हो, इधर से 1 वीक चलते हैं। 1 वीक सॉरी सॉरी यूएसडी 1 वीक 30% पीछे से जाने के बाद प्राइस प्राइसेस का एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। वो कोई 100% नहीं है, हर एक स्ट्रेटजी का कोई 100% नहीं होता। तो इधर से क्योंकि इधर से दो बार लेके गया है मार्केट में, तो एक बार का तो हो चुका था रिट्रेसमेंट। तो नेक्स्ट बार का रिट्रेसमेंट दे सकता है मार्केट इधर से अच्छा खासा, जैसे कि देख पाओगे अच्छा। तो 67 600 पिप्स का एक मूव दे सकता है, 500 या 600 के इधर से रेटेस्ट के नीचे आ सकते हैं। तो एंड डायरेक्ट तोड़ दे तो इधर से बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। मैं इन पेयर से थोड़ा दूर हूँ, मैं गोल्ड पे ज़्यादातर करता हूँ, XAUUSD पे चलता हूँ। गोल्ड के चार्ट के से पहले हर टाइम एक चीज़ याद रखना, DXY का क्या व्यू है। DXY का एक व्यू आप लोग देख पाओगे मार्केट का जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। आप 1 मंथ का लेवल वही निकलता है, ये निकल रहा है, ये ऊपर से निकल रहा है। तो आई होप उधर से एक रिट्रेसमेंट दे सके, बट अभी भी कुछ भी नहीं है। 1 वीक पे चलते ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट स्टिल पूरा बुलिश कैंडल है। तो कैसे मान लो कि ये नीचे आ रहा है, तो आई होप 1.6 से 1.6.500 से और नीचे आएगा मार्केट इधर से एक रिट्रेसमेंट दे। तो गोल्ड पे चलते हैं अभी। XAUUSD पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर चुका है, एंड लास्ट एक रिट्रेसमेंट जोन था वो भी ब्रेक कर चुका है। अभी पूरा स्टिल बेरिश है मार्केट, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है बेरिश का ना बुलिश का। तो आई थिंक आप लोग भी बेरिश का ज़्यादातर देखना, रिट्रेसमेंट होने के बाद रिट्रेसमेंट का ट्रेड लेना बाइंग का। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, 1 का ये लेवल रहता है कि 1643 से रिवर्स हो सकता है, अच्छा खासा रिवर्सल दे सकता है। एंड नेक्स्ट लेवल होता है 1500, दैट्स इट। थैंक यू।